लाइंस एंड एंगल्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो। इस तरह से एक फिगर गिवन है और आपके उसके साथ आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये वाला एंगल x, ये एंगल y, ये एंगल z एंड ये एंगल w। गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यू हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। प्रूफ क्या करना होगा? AOB दैट मीन्स ये वाला ये एक लाइन है। देखे तो आपको पता चल रहा है कि ये लाइन है, बट आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि लाइन ये प्रूफ करेगा ये कंडीशन क्या है, कब हम ऐसे इसको हम लाइन कह सकते हैं, इसका कंडीशन क्या है। तो वो जानना होगा कि हमें एक्चुअली क्या दिखाना है, जब तो हम बता सकते हैं कि ये एक लाइन है। सो देखो, हमें एक पता है कोई लाइन अगर ये इसके ऊपर जितने भी एंगल आप करोगे यहाँ पे ड्रॉ करोगे सब क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर यहाँ पे टोटल एंगल क्या होता है 180। सो दैट मीन्स इसके ऊपर आप सपोज जितने भी सपोज यहाँ पे ए ओ बी सी डी एक एंगल एक्स ये वाई ये जेड। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अगर ये एक लाइन है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स अगर आप किसी भी तरह इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल से उसका साम 180 दिखा दोगे, दैट मीन्स ये एक लाइन होगा। लाइन होने से ही ये कंडीशन होता है। सो दैट मीन्स आपको दिखाना क्या है, ये जो लाइन है इसके ऊपर इधर क्या एंगल है, एक तो डब्ल्यू प्लस जेड इस तरह से डब्ल्यू प्लस जेड। तो या तो आप दिखाओ डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तब भी आप कह सकते हो कि ये एक लाइन है ए ओ बी। या तो आप दिखाओ इधर से देखो यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई है, तो या तो आप दिखाओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तब भी आप कह सकते हो कि ये एक लाइन है। सो हमारा एम क्या है, किसी भी तरह x प्लस वाई को 180 दिखाना है या तो w प्लस जेड को 180 दिखाने, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो AOB है वो एक लाइन है। पहले तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक्चुअली हमें दिखाना क्या है। हमें अगर जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है ये टोटल मिला के कितना होता है, सभी एंगल मिला के जैसे ये ऊपर ये तो 180 होता है, सो नीचे भी 180। अब 180 प्लस 180 दैट मीन्स पूरा सर्कल 360 का होता है। सो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ये तो हमें पता है तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे दिया, W प्लस जेड। सो एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो एंगल W प्लस एंगल जेड। यहाँ पे आप एंगल का साइन नहीं भी दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे एंगल का साइन नहीं दिया है, तो बस आप ऐसे लिखो। तो हम x प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं W प्लस जेड क्योंकि ये तो गिवन है, प्लस यहाँ पे फिर से है z प्लस W इज इक्वल टू 360। ये हमने क्यों लिखा, ब्रैकेट में लिख दोगे साइड में, हमने क्यों लिखा ये क्योंकि ये हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, इसलिए हमने लिखा। सो देखो यहाँ पे w प्लस जेड और यहाँ पे भी z प्लस दो, दैट मीन्स w भी दो है और z भी दो है। सो हम टू कॉमन लेके लिख सकते हैं w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। सो दिस इम्प्लाइज w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन टू, सो दैट मीन्स इसको काट दोगे दैट मीन्स 180। तो प्रूव हो गया w प्लस जेड इज इक्वल टू 180। सो यहीं से हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AOB इज अ लाइन। क्लियर हुआ किस तरह से प्रूव हुआ? ओके सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।